न्यायाधीश सभा के न्याय स्थापना अभियान के स्लाइड प्रसारण में पुनः आप सभी का स्वागत है। 8 से 8:30 के बीच में हम लोग न्याय प्रचार कार्यक्रम को लाइव है। संचालित करते हैं। आप सभी मित्रों से अपेक्षा है कि आप लोग 8 से 11 के बीच में 8 से 8:30 के बीच में उपस्थित रहें और इस आधे घंटे के कार्यक्रम को अपने मित्रों तक शेयर करके टैग करके मौखिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करके चर्चा करके पहुंचाते रहें और न्याय प्रचार में अपनी भूमिका निभाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय की स्थापना के लिए न्याय का प्रचार प्रसार ही आवश्यक है। न्याय प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक अपनी न्याय प्रियता का परिचय देते हुए जन जन तक और घर घर तक इसे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये कार्यक्रम पूरी तरह से सार्वजनिक है। प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, सामाजिक अभियान और राजनीतिक अभियान। न्याय स्थापना के दो प्रकार से अभियान संचालित हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी न्याय को स्थापित किया जा सकता है और सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से स्थापित करने के लिए सामाजिक संरचना में एक ऐसी न्यायसीन व्यवस्था स्वीकार की जाती है जो समाज के प्रत्येक सदस्य के हितों को संरक्षित करती है। जो एक है वही दूसरा है, तो जो एक का अधिकार है उसी के समतुल्य दूसरे का भी अधिकार होना चाहिए। समुचित हितों का संरक्षण ही न्याय है। सबके हित समान और उचित रूप से संरक्षित हो, यही न्याय का उद्देश्य है। आप सब इसे अच्छी तरह समझते हैं। समाज इस एक पारस्परिक समझौते पर आधारित है कि हम सभी लोग परस्पर समान हितों के लिए सहमत एक सहजीवन पद्धति को अपनाते हैं जिसे सामाजिक सभ्यता कहते हैं। इस सामाजिक सहजीविता की आवश्यकता है क्योंकि हमारा मौलिक अस्तित्व ही सह अस्तित्व के रूप में है। आइंस्टीनल फिजिक्स की थ्योरी E=mc² जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी या फिर रिलेटिविटी, द वन इज रिलेटेड विद द अदर्स, हर एक के सापेक्ष अन्य सभी, मैं और तू, मैं एक सिंगुलर है और तू में बाकी सारे हो जाते हैं। एक और उसके समकक्ष अन्य जो भी है, ये सब एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अगर हम लोग इस सापेक्षता के सिद्धांत को नहीं अपनाते तो इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व स्थिर नहीं रह सकता। पूरब पश्चिम के सापेक्ष है और पश्चिम पूरब के सापेक्ष है, उत्तर दक्षिण के सापेक्ष है, दक्षिण उत्तर के सापेक्ष है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है कि एक जो है दूसरे के सापेक्ष है, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा के सापेक्ष है,
अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा के सापेक्ष है। जब भी होंगी ये दोनों दिशाएं सापेक्षता में व्यक्त होंगी और स्थित रहेंगी। अगर ये मिटेंगी तो दोनों साथ साथ मिटेंगे। सिक्के के दोनों पहलू जब कभी मिटेंगे तो दोनों एक साथ मिटेंगे। कोई सोचे कि केवल एक पहलू को मिटा दूंगा और मैं शेष रहूंगा तो यह संभव है। इसीलिए सत्यता का सिद्धांत, परस्पर विरोध का सिद्धांत, परस्पर विद्रोह का सिद्धांत, परस्पर आक्रमण का सिद्धांत, परस्पर युद्ध का सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत द्वैत सिद्धांत कहलाता है। ये द्वैत जो है एक को दूसरे से भिन्न मानता है और परस्पर द्वंद्व उत्पन्न करके विनाश की ओर जाता है, ध्वंस होने की ओर जाता है, शत्रुता विनाश की ओर ले जाती है। किंतु इसके विपरीत इस द्वैत के चिंतन से हटकर एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे ज्ञान कहते हैं। सत्य का ज्ञान एक बुद्धि के द्वारा, एक गहन बुद्धि के द्वारा बोधपूर्वक अर्जित किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2=? है, अब वहां पर क्या लिखा जाना है ये छिपा हुआ है रहस्य, आंसर सदा छिपा हुआ है। जो कोई भी गणित की इस टेक्निक को जानता है कि 2 में यदि 2 जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, द पर्सन हु नोज द थ्योरी ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही विल गिव द आंसर, बिकॉज परिणाम बोध पर है। आप जब भी इस रहस्य को जानेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढ लेंगे, द्वैत तो दिखता ही है, शत्रुता तो उत्पन्न हो ही जाएगी। क्या इसमें कोई अद्वैत की आशा है, क्या इसमें कोई मैत्री की आशा है, ये हमें देखना है। हम लोग जब तक एक सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे, सामाजिक सहजीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, सामाजिक सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, दोनों तटों के बीच संघर्ष चलता रहेगा। नदी का एक तट और नदी का दूसरा तट, बीच में धारा बह रही है, धाराओं के कारण 2 तट दिखाई देते हैं, लेकिन धारा के नीचे से दोनों तट एकजुट हैं। द्वैत है ही नहीं, धारा के कारण मैत्रु के द्वैत हैं, स्त्री पुरुष के द्वैत हैं, काले गोरे के द्वैत हैं, भारत पाकिस्तान के द्वैत हैं, एशिया अफ्रीका के द्वैत हैं, सारे द्वैत जीवन धारा के कारण है। ये सृष्टि का प्रवाह बह रहा है, संसार की ये सरिता जो बह रही है 2 तटों को भिन्न दिखा रही है, लेकिन धारा हटा दो तो एक ही। एक कुम्हार ने बहुत सारे घड़े बनाए, घटों की उपस्थिति के कारण अनेकता उत्पन्न हो गई, मिट्टी एक ही थी, एक ही मिट्टी से सारे घड़े बना दिए। कई घड़े बनाए तो सब एक जो है दूसरे से भिन्न था, नाम में, रूप में, साइज में, उपयोग में, गुणों में भिन्न भिन्न थे। अब उस वजह से उनके बीच परस्पर द्वैत क्रिएट हो गया, परस्पर द्वंद होने लगा, एक ने दूसरे को स्वयं से भिन्न जाना और उससे लड़ने लगा। फिर अगर सोचें कि वो कुम्हार उनको बताए कि तुम सब एक ही मिट्टी से बने हो, मैंने ही तुमको बनाया, तो उस समय तुम्हारा अस्तित्व द्वैत में नहीं बल्कि अद्वैत की हो जाएगा। शत्रुता नहीं मित्रता, और दर्शन तो ही हो सकते हैं मित्रों, ये जो अनेक प्रकार का दर्शन सोचते हो ये आपके मूर्ख या धूर्त होने के कारण वो अनेक दर्शन उत्पन्न होते हैं, नहीं तो दर्शन तो ही है। क्या एक इस दुनिया में मैं तू के बीच कोई संबंध संपर्क कुछ है, रिलेटिविटी कोई है, सापेक्षता कोई है, सह अस्तित्व कोई है, अथवा इनके बीच में भिन्नता ही?
सत्य है, तो भिन्नता सत्य नहीं है, अभिन्नता सत्य है, क्योंकि खोज के द्वारा जब देखा गया दोनों तटों के बीच थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि वन इज रिलेटेड विद द अदर, बस यहीं से सह अस्तित्व क्रिएट हुआ। और मनुष्य ने चूंकि इस सह अस्तित्व को जाना, तो उसने कहा हम सब एक चलिए सहजीवन पद्धति अपनाएं, और किस आधार पर ये सहजीवन दिए, उस आधार का नाम रखा गया इस सत्य के आधार पे जो निर्णय होंगे, जो नीतियां बनेंगी, जो नियम बनेंगे, वो सारे नियम नीति निर्णय इसी सत्य के बेस पे खड़े होंगे। और चूंकि हम व्यावहारिक तल पर भिन्न भिन्न दिखते हैं, तो विकास यात्रा में भिन्न है, अलग अलग समय पर बनते हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये बंधे हुए हैं, तीन आयामों से बंधे हुए हैं, जन्म जीवन मृत्यु से अलग अलग बंधे हुए हैं, तो हमें इस व्यावहारिक औचित्य को, प्राकृतिक औचित्य को आत्मिक सत्य के सामंजस्य में स्वीकार करना होगा। इसलिए समता और औचित्यता, आत्मा सम है और प्रकृति विषम है, अनेक अनेक प्रकार के नाम रूप गुणों वाली है, इसलिए इन दोनों बातों को समाहित करके एक न्याय के फैसले से आए, और न्यायशील नियमों नीतियों निर्णयों को स्वीकार करते हुए समुचित हितों का निर्णय किया गया, और कहा गया कि आइए हम लोग समुचित हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का एक समाज बनाए, और समाज का समता से जन्म हुआ मौलिक सत्य समत्व है, समत्वम योग उच्चते, जहां जहां समत्व होगा वहां पर मेल उत्पन्न होगा, योग उत्पन्न होगा, जोड़ उत्पन्न होगा, संबंध उत्पन्न होगा, तो सामाजिक संबंधों की रचना न्याय के सिद्धांत पर, सत्यात्मक दार्शनिक सुवैज्ञानिक न्याय के सिद्धांत पर समुचित हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का एक सामूहिक अस्तित्व उत्पन्न हुआ, जिसे समाज के नाम से जाना गया, और मानव ही से समझ सकता था, इसलिए मानवीय समाज का उदय है, मनस्तत्व के द्वारा ही बोध होता है कि हम ये हमारे बीच में द्वैत नहीं है, द्वंद नहीं है, द्वंद मिथ्या है, आइए हम सब एकजुट होकर एक ऐसी सामाजिकता को जन्म दें। आज हम आपसे उसी विषय में बात करेंगे, आज का विषय भी यही है, न्यायशील सामाजिक उद्यम योजना, न्यायशील सामाजिक उद्यम योजना ये कहती है कि हम लोग आइए निजी तल के उद्यमों को लगा के देख लिए थक गए, हम लोग साझेदारी के उद्यम लगा के देख के थक गए, सरकारी उद्यम लगा के थक गए, अब आओ एक सामाजिक उद्यम लगाए। सामाजिक उद्यम अभी नहीं लगे हुए दुनिया में, हमने कहा अब एक सामाजिक उद्यम लगेगा, सरकारी लग गए, साझेदारी के लग गए, निजी उद्यम लग गए, प्राइवेट, तमाम प्राइवेट लिमिटेड चल रहे हैं कंपनियां, निजी तमाम दुकानें खुली हुई हैं, निजी चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, निजी होटल, निजी किराने की दुकान, निजी कपड़े की दुकान, निजी 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 बहुत सारे चल रहे हैं, निजी किसान, अब वो निजी तल पे जो उद्यम चलाता है उद्यम में सभी प्रकार का, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, क्लरिकल केडर का होना चाहिए, शारीरिक श्रमिक भी होना चाहिए, शरीर से श्रम करने वाला, तो इस सभी प्रकार के लोग उद्यम में जरूरी हैं। और निजी उद्यम जब आप लगा लेते हो तो फंस जाते हो, क्या कि आपको ही पीर पुजारी मिस्त्री माली की सारी भूमिका निभानी पड़ती है, अनुकर्मी सहकर्मी उपकर्मी और मुख्य कर्मी सब तुम्हें बन जाते हो, और तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्य होती है, एक भी पद हैंडल करने की स्थिति में नहीं आदमी, ठीक से शिक्षित भी नहीं हुआ, और वो भी कृषि उद्यम को खोले बैठा है, तो हर किसान आत्महत्या करेगा, फाइनली जो है आत्महत्या की ओर जाएगा किसान, कई करोड़ों लोग आत्महत्या कर चुके, करोड़ों किसान आत्महत्या अब तक कर चुके, अब ऐसी स्थिति में आत्महत्या की ओर ही जाएगा जब आदमी फेल्यूर होगा,
निराशा की ओर जाएगा और उस निराशा, हताशा और उदासी में आदमी मृत्युर मां अमृतम गमय की जगह अमृत्योर मां मृत्युम गमय हो जाता है, वो जीवन से मृत्यु की ओर चला जाता है। तो अस्तो मां सदगमय करो और परस्पर सामाजिक सहजीविता को स्वीकार करो और एक सामाजिक उद्यम लगाओ। और सामाजिक उद्यम का भी वही त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था आधार होगा कि इसमें भी तीन प्रकार के नियोजक होंगे, श्रम पूंजी सुविधा, तीन इसके उत्पादन के साधन हैं, तीनों के तीन विनियोजक होंगे, श्रमिक पूंजीपति और तीसरा कहें समाज या सरकार। श्रम श्रमिक लगाता है, पूंजी पूंजीपति लगाता है, सुविधाएं जो सार्वजनिक हैं सामाजिक हैं वो भी उसमें हर जगह लगती हैं, सड़क पानी बिजली हवा ताम झाम सब सब प्रयुक्त होता है, तो वो तीसरी चीज है। तीनों का सह अस्तित्व है, तीनों का सम स्वामित्व भी सिद्ध होता है। उद्यम में तीन ये विनियोजक होंगे और उनमें जो भी उत्पादन हो उसमें यदि तीनों लागतों का निर्णय हो जाता है तो तीनों लागतों को निकाल करके और बाकी तीनों चीजों को समान रूप से बांट दें। किसी भी वितरण का आधार यह हो कि प्रति घंटे श्रम की दर से श्रम के पक्ष का वितरण हो, प्रति रुपए पूंजी की दर से पूंजी पक्ष का वितरण हो, और तृतीयांश तीनों भागों में बांट दिया जाए, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड ईच। तीनों विनियोजक सभी ग्राम पंचायत में मौजूद है। हर ग्राम पंचायत अपना एक सामाजिक उद्यम लगा सकती है, लेकिन किसी ग्राम पंचायत में सब कुछ रिसोर्स होते हुए और वो उनको कोई बताता भी नहीं कि तुम लगा दो, सब कुछ होते हुए भी वो नहीं लगाते और हर घर से आदमी भाग करके दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास भागता है, गली गली ठोकर खाता है, सेठों का गुलाम बनता है, बड़े लोगों का गुलाम बनता है, तमाम ऐसे जालिमों बदमाशों का वो गुलाम बन जाता है और फंस जाता है। ऊपर के लोग कभी चाहते भी नहीं है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उद्यम लगा लिए, वो इसलिए नहीं चाहेंगे कि आप लगाएंगे अगर तो वहीं आप रुक जाएंगे, गांव से पलायन करें ये वो सब अपेक्षित है ताकि वहां शहरों में सस्ते से सस्ता मजदूर बनकर आप उपलब्ध हो जाएं, सस्ते से सस्ता मजदूर, और आपको मार्केट की चीज बना दिया जाता है, आपका श्रम का रेट उसी अनुपात में उठता गिरता है। अधिक श्रमिक जब फालतू बेरोजगार जितने अधिक होंगे उतना श्रम का मूल्य सस्ता होगा, और यही कारण है कि कोई भी दुनिया की सरकार एम्प्लॉयमेंट फंड स्थापित नहीं करती। दुनिया के सारे बेरोजगारों से हमारी अपील है कि एक बार सिर्फ एक बार एम्प्लॉयमेंट फंड आप स्थापित कर लो, एक भी बेरोजगार नहीं बचोगे, और एक भी बेरोजगार नहीं बचोगे तो श्रम का मूल्य भी ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा। तो श्रमिक जो गरीब है दुनिया में सबसे ज्यादा, वो सब अमीर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट फंड आपको वो रोटी नहीं देंगे लेकिन रोजी नहीं देंगे आपको, इसीलिए हमने कहा सामाजिक उद्यम लगाओ। हर ग्राम पंचायत के लोगों को बताओ कि तुम अपना सामाजिक उद्यम लगाओ, और हर ग्राम पंचायत के लोगों को ये भी बोलो कि अगर तुमको पूंजी की कमी हो तो एक एम्प्लॉयमेंट फंड भी स्थापित करवाओ सरकार से, जिसमें 25% अनिवार्य रूप से राजकोष का धन हर साल उसमें डाला जाए। अगर 20 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें 5 लाख करोड़ डालें, और स्टेट समेत मिलाकर के 50 लाख करोड़ का केंद्र सहित बजट बनता है तो 12.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आपके एम्प्लॉयमेंट फंड में डलेगा, जिसको इतना अधिक पैसा होगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक भी बेरोजगार नहीं बचेगा पूरे कंट्री में, बल्कि दूसरे देशों के लोगों को भी आप रोजगार के लिए रिसोर्स उपलब्ध करा सकोगे। तो ना बेरोजगारी रहेगी तो कहीं एक भी कोई गरीब नहीं मिलेगा, और ये काम एक दिन में हो सकता है। जिस दिन आप सब
मछलियों को पता चल जाए तो मछुआरों की गुलामी से, उनके मकड़जाल से, शिकारियों के सिकंजे से आप बच जाएंगे, मछुआरों के मकड़जाल से बच जाएंगे और शिकार होना बंद हो जाएंगे, गरीबी भुखमरी से बच जाएंगे, तबाही से बच जाएंगे। अब आप लोग हर ग्राम पंचायत में जाओ, हर ग्राम पंचायत में एक एक हम प्रमोटर बना रहे हैं, हर ग्राम तक 12,500 ग्राम पंचायत, 2.5 लाख भारत में ग्राम पंचायतें, जरूरत नहीं इतनी ग्राम पंचायतों की जरूरत नहीं है मित्रों आपको, आपको सिर्फ 12,500 ग्राम पंचायतों की जरूरत है। 1 लाख की आबादी का एक ग्राम पंचायत बताइए, पच्चीस वर्ग किलोमीटर का माने 5 टोटल आप देखें तो 5 वर्ग किलोमीटर का अगर बसाएं तो 25, 5 × 25 पांच ऐसा, पांच ऐसा, तो भी ग्राम पंचायत बन जाएगी। आप अगर सोच लें कि 25 वर्ग किलोमीटर का आप एक दायरा मान लें तो आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा ग्राम पंचायत बच जाएगा। 1 लाख हमने निकाला था इसका कुछ आंकड़ा, संदेश जी ने इसको कंप्यूटर पर कैलकुलेट करके बताया कि इतने में लगभग 2,500 स्क्वायर फुट वाले मकान के 20,000 घर भी बन जाएंगे, बीच में राजधानी के लिए भी स्पेस निकल आएगा और उसके बाद बस्ती का, फिर उसके पीछे प्रायोगिक क्षेत्र भी निकल आएंगे। अब आप देखिए इतने में ही अगर हो जाता है, अब पूरे भारत में अगर 12,500 ग्राम पंचायतें बसा देते हो तो 25, ये जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं इसकी जरूरत नहीं, 12,500 ग्राम पंचायतों में 1 लाख प्रति ग्राम पंचायत रखो तो 125 करोड़ की आबादी, और जब 1 लाख से ऊपर हो जाता है तो दूसरी ग्राम पंचायत घोषित कर दो। अब वहां प्लाट कट रहे हैं और सबको एक प्लाट 1,000 से 2,500 स्क्वायर फुट का प्लाट प्रति परिवार अनिवार्य रूप से दो। परिवार का मतलब होगा कोई भी पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे, नाबालिग कौन जो 25 वर्ष से नीचे, उससे ऊपर गए तो उनका स्वतंत्र एक परिवार, स्वतंत्र अपना मकान, स्वतंत्र शिक्षा, स्वतंत्र रोजगार, उनको अलग से सब कुछ प्राप्त हो, सारी सुविधाएं हैं, सारे जनाधिकार। आप इस सिस्टम को एक सामाजिक उद्यम योजना को प्रतिष्ठित करिए, ये पूरे ऑटोमेटिकली ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, स्वतः सम प्रतिष्ठित हो जाएगा। स्वतः ये संप्रतिष्ठित हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में एक सामाजिक उद्यम योजना लगाइए, पूरे 1 लाख लोगों को रोजगार देने में समर्थ हो जाएगा और उसमें कितनी भी मशीनें आप कृषि भी उसमें शामिल करो, वाणिज्य भी शामिल करो, सारी चीजें शामिल करो, जितने प्रकार के प्रोडक्शन होते हैं सब उसमें शामिल करो, लोकल जितना प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो उगाओ, कमर्शियल जितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं वो लगाओ, उसके अंदर सब लगाते जाओ और विनियोग सब आपके पास है, श्रम विनियोग भी वही है, जिसके पास कौशल नहीं वही स्किल ट्रेनिंग खोल दो, सबको स्किल भी बनाओ, एक को सिखाओ वो 10 को सिखाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर शिक्षा केंद्र खोलो, न्याय सभा आपको नीचे से समृद्ध करके ऊपर ले जाना चाहती है, बड़े लोगों से संघर्ष करके लड़ करके करने की जरूरत नहीं है, उनको बड़ा आदमी बना रहने दो, उनको राजनेता बना रहने दो, उनको राजा लोग बने रहने दो, उनको जमींदार बने रहने दो, आप अपनी दुनिया बसा लो और वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी गरीबी मिट जाए, आप को शिक्षा मिलने लग जाए, आपको जनाधिकार पैरों मिल जाए, इतना बहुत है। तो जब आप इस चीज को समझ जाएंगे
ये सिस्टम ऐसा है कि जब आप चाहें तब इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, किसी से लड़ना भी नहीं। वो दरेत आत्मनात्माना और नात्मानम वो साधे, आप स्वयं से ही अपना उद्धार कर डालो, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब स्वयं से आप अपना उद्धार करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आपको किसी से संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से खुद को ऊपर उठाओ। वहीं पर श्रमिक हैं मिल जाएंगे, वहीं पर पूंजी है वो भी इन्वेस्ट हो जाएगी, सबके पास कोई ना कोई रिसोर्स है, सबके पास कोई ना कोई साधन है, वो अपने आप ही लोगों को विनियोग के रूप में सुलभ हो जाएगा। सार्वजनिक सुविधाएं भी वहां पर मौजूद है, प्रायः अधिकांश ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी हैं आवश्यक वस्तुएं, वहां आप शुरू करिए, जो नहीं होंगी वो भी आ जाएंगे, बाकी चीजें आप स्वयं निर्मित कर लेंगे। बस इसे शुभारंभ करो, सभी लोग इसको धीरे धीरे प्रमोशन की ओर जाओ, एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रमोटर नियुक्त करो। लोग पहाड़ों पे पड़े हैं, यहां वहां बस्ती में जी रहे हैं, सबको आमंत्रित करो, साफ सुथरी जगह पर उनको भूखंड काट के दो, अच्छी जगह वो मकान बना करें। क्या जरूरत है कि पहाड़ी इलाकों में जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं। सुंदर सुंदर ग्राम पंचायतों का विकास हो, लोग बड़ी प्रशंसा पूर्वक अपना जीवन यापन करें। ये सभी समस्याएं जरूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा ही हल हों, आप सामाजिक रूप से हल कर सकते हैं, और जब ये सामाजिक रूप से हल होंगी तो ये निश्चित है कि आप सभी को बिना किसी संघर्ष के जिंदगी के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सभी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, विकास के रास्ते खुल जाएंगे, समृद्धि का द्वार खुल जाएगा, स्वास्थ्य का द्वार खुल जाएगा, शिक्षा का द्वार खुल जाएगा, सब कुछ आपके लिए सुलभ हो जाएगा। हम लोग न्याय धर्मसभा के इस अभियान के द्वारा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छा से अच्छा ये सब पर्यावरण मिले, सुंदर जीवन हो पृथ्वी पर, अमीर गरीब संघर्ष समाप्त हो, परिश्रम पूर्वक आप अमीर अथवा गरीब बने, जो कम परिश्रम करे वो गरीब भी रहे तो चलेगा, लेकिन अधिक परिश्रम करने पर भी अगर कोई गरीब रहे तो ये विचित्र बात है, वो अन्याय का सूचक है। इसलिए हम लोग इसको अपने द्वारा ही इस समस्या का हल कर सकते हैं, और आज इसका समय पूरा हो रहा है, तो हम आपसे पुनः कल सामाजिक उद्यम योजना पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। सामाजिक उद्यम योजना एक बहुत व्यापक पहल है न्याय धर्मसभा की। सामाजिक उद्यम अभी दुनिया में लगे नहीं हैं, तो सामाजिक उद्यम की विशेषताएं क्या हैं कल हम आपको इस पर बात करेंगे, और कल इस पे आपको कई नई जानकारी भी देंगे कि कितने अच्छे ढंग से कितने सरल ढंग से चलाया जा सकता है। आप सब ने इतने ध्यान से सुना और अपने मित्रों को शेयर किया, टैग किया, तमाम लोगों तक पहुंचाया, इसे जन जन तक घर घर तक पहुंचाएं, इस देश का उद्धार हम सबका उत्तरदायित्व है। हम सब जिस जहाज पर बैठे हैं उसे डुबा के क्या करेंगे, उसे तैराओ, उसे ऊंचा उठाओ, उसे आसमानों में उड़ाओ, उसे सुखद बनाओ, सुंदर बनाओ, ताकि इस धरती पर जीवन हंसता खिलखिलाता नाचता स्वस्थ और उन्मुक्त स्वतंत्र हो, सभी लोग शानदार जीवन को प्राप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।